इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने पन्ना जिले में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह श्रम व खनिज मंत्री मध्य प्रदेश सरकार से मुलाकात कर सेल्स प्रमोशन उद्योग में कार्यरत मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मध्य प्रदेश राज्य के अध्यक्ष संजय सिंह तोमर ने श्रम मंत्री से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2S में संशोधन कर सेल्स प्रमोशन को जोड़ा जाए ताकि दवा एवं अन्य उद्योगों में कार्यरत सेल्स प्रमोशन एम्प्लाई को कर्मकार की श्रेणी का लाभ मिल सके। कामरेड तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए 2016 में न्यूनतम वेतनमान घोषित किया था लेकिन 2023 तक कोई रिवीजन नहीं किया। अन्य मांगों में मिनिमम वेजेस का रिवीजन कर 26,000 न्यूनतम वेतन घोषित करने, 8 घंटे का कार्य नोटिफिकेशन एवं सेल्फ प्रमोशन एवं एम्प्लाइज एक्ट 1976 का मध्य प्रदेश राज्य में कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से राज्य अध्यक्ष संजय सिंह तोमर, राज्य सचिव वीरेंद्र सिंह रावल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेश पांडे, पन्ना सैटेलाइट इकाई के साथी राजकुमार वर्मा, विवेक श्रीवास्तव, संजय शर्मा एवं राजेश ठाकुर शामिल रहे।